खरगोन शहर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समीप शासकीय भवन में सुबह के समय अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसमें निर्वाचन संबंधित दस्तावेज जलकर खाक हो गए। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दरअसल शनिवार सुबह किला परिसर में स्थित शासकीय भवन के दो कमरों में आग लगी, जिसकी सूचना मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी सहित पुलिस मौके पर पहुंची, मौका पंचनामा बनाकर मामला जांच में लिया। बताया जा रहा है कि निर्वाचन दस्तावेज पूरी तरह जलकर खाक हो गए, जिसकी जांच की जा रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि किला परिसर में सरकारी भवन में आग लग गई है। हम लोग मौके पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड भी आ चुकी थी और आग पर काबू पा लिया है। सरकारी दस्तावेज थे उसके अंदर निर्वाचन संबंधित पुराने। अभी देखा है तो और आग लगी है। अभी कहाँ पर? वहीं लगी है जहाँ पर जो पानी खत्म हो गया था। फायर ब्रिगेड ने दूसरी गाड़ी बुलाई है, आ रही है। क्या नाम है आपका? दीवान सिंह। अरे, मेरे स्टाफ के माध्यम से सूचना मिली कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पास में पुराने भवन में आग लग गई। मैं तुरंत वैसे ही आया तो फायर ब्रिगेड चल ही रहा है। ये कमरा जला हुआ है, लेकिन निर्वाचन में कुछ सामग्री है जैसे विद्यालयों की है और एक शिक्षा विभाग का कक्ष है, जिसमें सामग्री तो ज़्यादा नहीं जली, तो नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। नहीं, निर्वाचन का पूरा जल गया। निर्वाचन के जो पास वाला कमरा पुराना था, जो निर्वाचन की सामग्री थी, उसमें थोड़ा नुकसान हुआ है। क्या नाम सर? एमएल वास्तव जिला शिक्षा अधिकारी। सुबह करीब 5 बजे की बात है, जैसे हम नमाज पढ़ के घूमने के लिए निकले, यहाँ देखा तो निर्वाचन आयोग का जो बना हुआ है ऑफिस, यहाँ पे 2 कमरों में 3 कमरों में जो है सामग्री रखी है। देखा तो भयंकर तरीके से धुआं और आग की लपटें उठ रही थी। वैसे ही जो है फायर फाइटर को सूचना दी गई, फायर फाइटर आया, जिसमें एक कमरे का पूरा सामान जल के रिकॉर्ड जो है खाक हो चुका है और दूसरे कमरे का कुछ थोड़ा हल्का सा आया है, बाकी सेफ है उसका सामान, कागज वगैरह। कारण कोई मालूम है आपको? कारण तो नहीं मालूम। इतनी सुबह में क्या है, वो तो क्या है, नमाज पढ़ के घूमने निकलते देखा धुआं उठते हुए। रहना भी पास का आ गया, हमारा रहवासी इलाका है, उस हिसाब से देखा तो हमने जो है वो सूचना करी। क्या सामग्री क्या थी इसमें? क्या सामग्री जो है वो निर्वाचन आयोग की थी, मतदाता जो है लिस्ट थी और जो भी निर्वाचन आयोग का जो कागज पत्र थे वो थे तमाम, जिसमें एक कमरे का पूरा रिकॉर्ड जल के जो है खाक हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नादिर अहमद। कहाँ रहते हो? मैं रंगरेज वाली घाटी मार्ग हुसैनी मस्जिद के सामने। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।